मॉर्निंग में जो वॉक करने जाते हैं लोग, तीन जो मेजर पार्क हम लोग डेट किए हैं, इको पार्क हो गया, एसके पुरी हो गया और गांधी मैदान, इसके पास भी हाँ इसी टीम में से 6-6 लोगों की ड्यूटी लगाई है। ये लोग सुबह के टाइम गश्ती करेंगे स्पेशली थाने के अलावा, ताकि लोगों को सुरक्षित महसूस भी हो और अगर कोई ऐसे मंतव्य के साथ वहां पर जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जाए। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना में सुबह सुबह अगर आप निकलते थे तो आपके भी जहन में ये बात आती थी कि क्या जो चेन हम पहनते हैं, जो फ़ोन हम यूज़ करते हैं, जो हम रास्ते में चलने वक्त उपयोग करते हैं उपकरण, वो कभी भी स्नैच हो सकते थे। अब देखिए, पटना पुलिस ने एक स्पेशल टीम बना लिया है। 10 लोगों की ये टीम पटना के पौश इलाकों में गर्दनीबाग, कदम कुआं और पटना के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नज़र रखेगी और नज़र रखने के साथ इस टीम का ये काम होगा कि जल्द से जल्द उस छीने गए चेन से लेकर उस चोरी किए गए गाड़ी तक रिकवर करें। किस तरीके से इस टीम का काम क्या होगा, इसकी जानकारी दे रहे हैं पटना के सिटी एसपी वैभव शर्मा। अप्रैल माह अभी खत्म भी नहीं हुआ और 60 से अधिक छिनतई जैसी घटनाओं को अपराधियों ने विभिन्न थाना क्षेत्र में घूम घूम कर अंजाम दिया, उससे निपटने के लिए क्या कुछ आगे की रणनीति बनाई है? जैसे मैंने बताया है कि मैंने जो अपने सेंट्रल एरिया है इसी में दो अलग अलग टीम बनाई है छिनतई के लिए ही। एक टीम है जो कि इंस्पेक्टर गर्दनीबाग के अंडर है, ये सचिवालय एरिया के जितने भी छिनतई के केस होते हैं, मोबाइल छिनतई या चेन छिनतई, उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस टीम में हम लोगों ने 10 मेंबर जोड़े हैं। और एक टीम है निहार भूषण के अंडर जो लॉ एंड ऑर्डर और टाउन के एरिया में छिनतई की घटनाओं को देखेंगे। वाहन चोरी घटनाओं के लिए हम लोगों ने कदम को इंस्पेक्टर बिमलिंडू के अंदर टीम बनाई है। ये लोग अलग नई स्टेप्स लेकर ना केवल जो पहले चोरी हुई है उनको डिटेक्ट करेंगे और आगे चोरी होने से रोकेंगे। साथ ही हम लोगों ने मॉर्निंग में जो वॉक करने जाते हैं लोग, तीन जो मेजर पार्क हम लोगों ने डेट किए हैं, इको पार्क हो गया, एसके पुरी हो गया और गांधी मैदान, इसके पास भी हाँ इसी टीम में से 6-6 लोगों की ड्यूटी लगाई है। ये लोग सुबह के टाइम गश्ती करेंगे स्पेशली थाने के अलावा, ताकि लोगों को सुरक्षित महसूस भी हो और अगर कोई ऐसे मंतव्य के साथ वहाँ पर जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जाए। तो आपने सुना, चोरी किए गए वाहनों से लेकर छीने गए फोन और चेनों तक पटना पुलिस अब ढूंढ कर निकालेगी। स्पेशल टीम बनकर तैयार है, 10 लोगों की ये टीम, अलग अलग थानेदारों को पटना के दायित्व दिया गया है कि मॉर्निंग पर खास तौर पर नजर रखें। मॉर्निंग वॉक पर जो लोग निकलते हैं उनके साथ चेन स्नेचिंग की वारदात इन दिनों खूब देखने को मिल रही थी, इसको लेकर पटना पुलिस ने अब अपनी कमर कस ली है और 10 लोगों की टीम अब बनकर तैयार है। बहरहाल, इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।